जिस यूपी पुलिस ने प्रदेश से गुंडागर्दी खत्म करने और कोरोना से जनता को बचाने में अपनी जी जान लगा दी, उसी यूपी पुलिस को बदनाम करने में अखिलेश यादव ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। बिना किसी मामले की जांच किए प्रशासन को बदनाम करना अखिलेश की पुरानी आदत है। अखिलेश यादव ने वीडियो से ऐसा स्क्रीनशॉट निकाल कर ट्वीट किया जिसमें लग रहा है कि पुलिस का जवान एक महिला के ऊपर बैठा है। अखिलेश भैया ने सोचा ट्वीट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे और खूब सुर्खियां बटोरेंगे, लेकिन यूपी पुलिस ने अखिलेश भैया का सपना चूर चूर कर दिया। अखिलेश भैया शायद भूल गए थे कि यूपी में योगी जी की सरकार है और यूपी पुलिस पाताल में छिपे अपराधियों से भी सच उगलवाना जानती है। यहाँ तो फिर भी सब कुछ साफ है, देखिए सच्चाई। पुलिस 17 तारीख को कानपुर देहात के गांव में आरोपी की तलाश में पहुंची थी। वहीं शिवम यादव से पुलिस की बहस हो गई तो परिवार की महिलाओं ने हंगामा कर दिया, खुद के कपड़े फाड़कर पुलिस पर आरोप लगाने की साजिश रची। लेकिन बाबा जी की हाईटेक पुलिस ने पहले ही वीडियो बना लिया जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब अखिलेश ने यूपी पुलिस को बदनाम किया हो। इससे पहले भी आतंकियों को हिरासत में लेने पर अखिलेश यादव ने यूपी एटीएस पर सवाल उठाया था। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। अपनी कुंठा में अखिलेश भैया ने यूपी पुलिस के खिलाफ स्क्रीनशॉट ट्वीट तो कर दिया, लेकिन पूरे वीडियो में सच्चाई सामने आने के बाद अब अखिलेश किस बिल में अपना मुंह छुपाएंगे? अरे अखिलेश जी, अपनी राजनीति चमकाने के लिए किस हद तक गिरोगे?